आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं पिवट टेबल में रिलेशनशिप की। जैसे कि देखिए, मेरे पास तीन डेटा है, डेटा शीट से सेल्स, प्रोडक्ट एंड कस्टमर। सेल्स में देखें तो आपके सामने सीआईडी है, डेट है, प्रोडक्ट की आईडी है, कस्टमर की आईडी है और यहाँ पे क्वांटिटी है। अब प्रोडक्ट की बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, बाकी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ हमारा प्रोडक्ट वाले शीट में है और सेम कस्टमर की इंफॉर्मेशन कस्टमर शीट्स में है। तो मान लीजिए मुझे अगर सिटी वाइज पिवट लगाना है या मुझे प्रोडक्ट वाइज पिवट लगाना है या एमआरपी के साथ कैलकुलेट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस है। पहला तो मैं वी लुकअप लगा के इस पीआईडी और सीआईडी के बिहाफ पे दोनों शीट से डेटा को लेके आऊं। देखिए इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि फिर हमारा डेटाबेस एडिट हो जाएगा, तो जब भी हम पिवट लगाएंगे, मुझे डेटा अपडेट करेंगे पिवट में, हमें हर बार उस फॉर्मूले को अपडेट करना पड़ेगा और हम हर बार उस फॉर्मूले को अपडेट करना नहीं चाहते हैं। तो दूसरा हमारे पास रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है कि हम पिवट के अंदर ही करें। तो कैसे करेंगे? तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है रिलेशनशिप का। पिवट लगाते समय आपको क्या करना है, एड डेटा, एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट टाइम जब ऐड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, तो कुछ देर आप वेट करें। उसके बाद फिर आप अपने से प्रोडक्ट्स के साथ करना है तो प्रोडक्ट वाले सीट को भी सिलेक्ट करें। इंसर्ट में जाए, पिवट टेबल, ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, ओके कर दें। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन करना है तो किसी भी पिवट पे क्लिक करके एनालाइज पे जाएंगे तो देखिए यहाँ रिलेशनशिप आपका एक्टिवेट हो गया। इससे पहले हमारा रिलेशनशिप एक्टिवेट नहीं था, बट यहाँ हमारा रिलेशनशिप एक्टिवेट हो गया। तो रिलेशनशिप पे क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, यहाँ आपका रेंज रेंज वन, इसकी पीआईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे रेंज वन अगेन, यहाँ पीआईडी बाय डिफॉल्ट लगे। मतलब मुझे देखिए, आपने सेल्स आपका रेंज बन गया, प्रोडक्ट आपका रेंज वन बन गया, तो दोनों सीट के अंदर में कॉमन क्या है ये आपको समझाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको समझाया, देन ओके किया, ओके देन क्लोज। जब ऐसा हमने किया तो आप यहां देखिए, यहां पे ऑल हो गया। ऑल में यहां पे देखिए दोनों टेबल आ गए। यहां पे हम क्वांटिटी को यहां रखते हैं और यहां हम प्रोडक्ट को रख देते हैं। रखने बन गया सर। यस क्लियर है? बट इसमें प्रॉब्लम एक है कि बहुत सारे पिवट होंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना सर। यस तो हम चाहते हैं कि इतने इतने बहुत सारे जो पिवट्स हैं उसको उसमें इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, बहुत सारे पिवट जो है इसका यूज ना कर पाए।
हमें बार बार पिवट ना लगाना पड़े, पिवट यूज ना करना पड़े, और कैलकुलेशन वगैरह भी करनी है, तो हमें अपने पावर पिवट को यूज करना होगा। तो पावर पिवट का कॉलम आएगा कहाँ से? तो आपको बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, इसके लिए आपको ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन में आपके सामने दिखता है यहाँ पे एड इंस, एड इंस में आना होगा। थोड़ा सा टाइम लगा, 2 मिनट रुक जाइए। इसके बाद यहाँ पे कॉम एड इंस एंड ओके, यहाँ पे आपको पावर पिवट का ऑप्शन आ जाएगा। पावर पिवट का ऑप्शन को सेलेक्ट करें और इसको इंस्टॉल करें। ठीक है, तो आपका पावर पिवट का नया विंडो खुल के आ जाएगा। उसके बाद फिर आप मैनेज पे क्लिक करेंगे ना सर? थोड़ा टाइम ले रहा है, पावर बट थोड़ा स्लो चलता है, इसलिए मैं रुक जा रहा हूँ। तो एक इसी तरह से देखिए, यहाँ पे एक एक्सेल की तरह ही एक नया विंडो खुल के आता है। तो इसमें इसने रेंज 1 आया हुआ है, आपको 1 बाय 1 करके तीनों सीट को या सेलेक्ट करके ऐड टू डेटा मॉडल करते समय ध्यान रखिएगा मेरा डेटा एज ए हेडर पे क्लिक होना चाहिए। तो 1 बाय 1 करेंगे इसमें आ जाएगा। उसके बाद फिर कस्टमर को सेलेक्ट किया और हमने इसको भी यहाँ पे पावर पिवट में ऐड डेटा टू डेटा मॉडल हमने कर लिया। फिर इसमें रेंज रेंज 1 और टेबल इस तरह से आ रहा है। तो रेंज है, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसका हमने प्रोडक्ट का नाम दे दिया। टेबल 1 हमारा सेल्स है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी चेंज कर रहे हैं, बाहर जो आपका मेन डेटा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब तीनों के बीच में हमें रिलेशन करना है। तो यहाँ आपको डायग्राम व्यू दिखेगा होम ऑप्शन पे ही, इस डायग्राम व्यू पे आप जाएंगे तो यहीं पे आप जो है तीनों कर सकते हैं कि इसकी पीआईडी के बराबर है, मैं ड्रॉप कर दीजिए, और इसकी सीआईडी इसके बराबर है। तीनों में रिलेशन हो गया, वापस डेटा व्यू पे आइए। अब मुझे इसमें एमआरपी लेके कैलकुलेशन वगैरह करना है, तो मैं यहाँ पे एमआरपी का कॉलम ऐड कर लेता हूँ। अब इसमें जो भी चेंज करेंगे डेटा के बैकएंड में चेंज होगा, ओरिजिनल वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। तो जैसे वी लुकअप का फंक्शन होता है, ऐसे यहाँ पे रिलेटेड का फंक्शन होता है, जिससे किसी अदर सीट के डेटा को कॉल कर सकते हैं। जैसे प्रो का मुझे एमआरपी चाहिए, आ गया। मुझे इसमें अमाउंट चाहिए, मल्टीप्लाई करना है, तो और भी जो भी कैलकुलेशंस है जिसे पिवट में आप करते थे, ऐसे कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी क्वांटिटी और एमआरपी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, एंटर मारा, यहाँ पे आ गया। इस तरह की और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब फाइनल हो जाए तो होम पे आपको यहाँ दिखेगा पिवट टेबल, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे एंड ओके कीजिए, यहाँ पे आपके सामने आ गया। और तीनों शीट से लिंक है, जैसे कि मैंने इसकी अमाउंट को हमने यहाँ रखा है, प्रो में से हमने नेम यहाँ रखा, और कस्टमर में से हमने कस्टमर का नेम यहाँ रखा। और स्लाइसर भी इस्तेमाल आप इसके ऊपर कर सकते हैं। आप पिवट टेबल पे जाए स्लाइसर, और स्लाइसर में आप तीनों चीजों यूज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे नेम सिटी वाइज, नेम वाइज इस तरह से करना है, तो इस तरह स्लाइसर इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के ऊपर वर्क करें। तो ये हमारा पावर पिवट है। और पावर पिवट में आपका एक पावर क्यूरी भी आता है, तो हम पावर क्यूरी को हम आपको जब
कराएंगे, जब डेटा मेनू बार हम आपको कराएंगे देन आपको हम पावर क्वेरी समझाएंगे। फिलहाल इसकी प्रैक्टिस आप करें अच्छे तरीके से, ठीक है सर? ओके सर, किसी को डाउट है, ओके कुछ सर। पूछना है? चलिए तो इस पे आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, कल मिलते हैं अगली क्लास पे, ठीक है सर? ओके सर, क्या बोल रहे हैं? इसमें मेरे को बस एक चीज पूछना है कि सर, इसमें चार्ट यूज कर सकते हैं पावर सब कुछ पिवट कर में? सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओके, जैसे हम पिवट टेबल में यूज कर रहे थे, सारे सारी चीजें इसमें भी यूज कर पिवट में? जी, ओके ओके, गुड नाइट। ओके।